देवादिदेव महादेव भगवान शिव को अति प्रियतम मास यानी श्रावण मास, जिसकी चर्चा आज हम इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। कब श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, कब कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, किस किस दिनांक को पड़ने वाले हैं, नाग पंचमी जैसा पर्व काल सर्प दोष के लिए जो अत्यंत शुभ माना जाता है वह कब पड़ रहा है, इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण इस बार भी करेंगे। जो निकटतम वाले लोग हैं वह कार्यालय में आकर भी संपर्क कर सकते हैं, और जो बाहर से लोग हैं, दूर से हैं, वो व्हाट्सएप पर जो नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है उस पर अपना मैसेज करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कैसे आपको यह रुद्राक्ष मिलेगा। कॉल आपको बेवजह नहीं करना है, उसके लिए सिर्फ व्हाट्सएप पर ही आप संपर्क करें, वहीं पर आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। देखिए इस बार जो श्रावण में सोमवार की संख्या वो चार सोमवार पड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं यहां पर श्रावण 14 जुलाई को प्रारंभ होगा जो कि 12 अगस्त पूर्णिमा तक रहेगा। अगर हम बात सूर्य संक्रांति के हिसाब से करें तो वह भी लगभग लगभग आसपास ही बैठेगा, क्योंकि 16 तारीख को जो है यहां पर संक्रांति रहेगी, तो 16 से कर्क के हिसाब से भी जो है श्रावण लग जाएगा। तो यहां पर 14 जुलाई यानी श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और गुरुवार का दिन रहेगा। अगस्त के महीने 12 को जो है पूर्णिमा रहेगी, इसमें पहला जो सोमवार है वो यहां पर 18 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को पड़ रहा है, तीसरा सोमवार 1 अगस्त को और चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ रहा है। तो ये चार सोमवार विशेषकर इस महीने हैं। सोमवार की व्रत विधियां और भी भगवान शिव के पूजन अभिषेक को लेकर मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या क्या हम आपको बताने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो श्रावण में जो नागपंचमी है जो काल सर्प दोष के लिए विशेषकर शुभ माना जाता है, वह यहाँ पर पहले जो कृष्ण पक्ष की पंचमी रहेगी वो 18 तारीख को रहेगी, 18 जुलाई को, और विशेषकर संयोग यह भी है कि इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर है वह श्रावण शुक्ल जो पंचमी है वो 1 अगस्त को है, जबकि उस दिन मंगलवार रहेगा। तो ये दोनों ही दिन जो है काल सर्पदोष शांति के लिए शुभ है। काल सर्पदोष के लिए जो उत्तर भारत के लोग हैं उनके लिए श्रेष्ठतम स्थान जो कि चार धाम जाने का जो रास्ता है ऋषिकेश से आगे चलकर गरुड़ चट्टी में जो पैदल रास्ता हुआ करता था, वहां पर गरुड़ मंदिर में जो है काल सर्पदोष की शांति करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो दक्षिण भारत के लोग हैं, दक्षिण के आसपास त्र्यंबकेश्वर के आसपास रहते हैं, वह जो है त्र्यंबकेश्वर में जाकर भी काल सर्पदोष की शांति कर सकते हैं। वैसे काल सर्पदोष के लिए विधान महत्वपूर्ण है, स्थान भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों के हिसाब से आप कर सकते हैं। आगे भी हम श्रावण मास को लेकर के कैसे आप अभिषेक करें, किन किन चीजों से अभिषेक करने पर किन किन चीजों की हम प्राप्ति कर सकते हैं, कुछ विशेष अचूक उपाय भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, समय अनुसार हम आगे चर्चा करेंगे।